चमती ट्रॉफी को उठाने का सपना तो दोनों कप्तान का है और सपना तो दोनों कप्तान भी देख रहे हैं इस चमचमते ट्रॉफी को उठाने का। अमदार चषक एमएलए ट्रॉफी 2022 का यह शानदार सफर। ओवर नंबर सेकेंड, गेंदबाजी करेंगे अजय भंडारी, सामने है बिश्वा पाटिल। पहली गेंद, इस बार गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग में, रन बनेगा एक, सिंगल के साथ रन संख्या आगे पहुंचती हुई 13 रन के ऊपर, 13 रन लॉस ऑफ टू विकेट। जैसे ही वक्त निकलता जा रहा है वैसे ही दर्शक यहां पर पहुंचते हुए, क्योंकि आज इस प्रतियोगिता का आखिरी दिन है और आखिरी दिन में दर्शक काफी भारी संख्या में जरूर देखने को मिलेंगे। टीम की रन संख्या 13 रन, कस्तूर पाटिल की तो सराहना करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने तो टीम की रन संख्या की हम बात करेंगे तो फुल स्कोर पहुंच चुका है इस समय 13 रन। गेंदबाज अजय भंडारी गेंदबाजी करेंगे, एक स्पिन आक्रमण है, फिर की गेंदबाज, फिर एक बार सामने है कस्तूर पाटिल, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे और इस समय डॉट बॉल की समाप्ति। ओवर नंबर सेकेंड पावर पे, दूसरा पावर पे ओवर शुरू है, पहले पावर प्ले में तो बेहतरीन बल्लेबाजी दिखी कस्तूर पाटिल के द्वारा और अब इस मुकाबले में बात करेंगे। सेकंड ओवर है और गेंदबाज है अजय भंडारी, गेंदबाजी करेंगे, बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंद, बिल्कुल थर्ड अंपायर ली ली है, बिल्कुल अंपायर ने थर्ड अंपायर का डिसीजन दिया है। तीसरे अंपायर चेक करेंगे ये बल्लेबाज क्रीज में है या फिर क्रीज से बाहर, देखना होगा। और इसी के साथ हमारे टॉम एंड जेरी और टॉम आज मिकी माउस और सॉरी डोरेमोन भी पहुंचे, उनका भी स्वागत करेंगे। तीसरे अंपायर की मांग की गई है रन आउट के लिए, अंपायर सुनील पाटिल यहां पर हरी सर थे लेग अंपायर की भूमिका में। तो तीसरे अंपायर चेक करेंगे, बिल्कुल यहां पर बल्लेबाज क्रीज में पहुंचे हैं या फिर क्रीज के बाहर है। तीसरे अंपायर बिल्कुल हमारे सैंडी पालकर जुड़ चुके हैं, प्राप्ति डिजिटल लाइव के माध्यम से इस प्रतियोगिता का लाइव टेलीकास्ट, दर्शक भी इंतजार में हैं कि डिसीजन क्या होगा। तो बिल्कुल ये डिसीजन बहुत ही क्लोज डिसीजन है, शायद इस डिसीजन को लेने के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकता है क्योंकि ये डिसीजन बहुत ही क्लोज है। देखना है कि इस बार दर्शक भी सोच रहे हैं कि इस बार कस्तूर पाटिल की विकेट खतरे में है या फिर पहुंच गए क्रीज में। तो कस्तूर पाटिल को लौटना पड़ेगा मैदान के बाहर, और एक बड़ा झटका लगा तोंडरे क्रिकेट टीम को। और टीम की रन संख्या की बात करेंगे, 13 रन लॉस ऑफ 3 विकेट, रनआउट के तौर पर यह विकेट गिरी है कस्तूर पाटिल की। रन लेना चाहते थे, कोई जरूरत नहीं थी वहां पर, मगर गलती कर बैठे कस्तूर में। बल्लेबाजी तो बहुत खूबसूरत की थी मगर उसके बाद वो क्रीज पर नहीं रहे। नए बल्लेबाज मयूर पाटिल अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अब बखूबी साथ निभानी होंगी मैदान में बल्लेबाज विश्वास पाटिल की। इस ओवर की 3 गेंदे, गेंदबाज फिर एक बार क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे और एक डॉट बॉल की समाप्ति। इस ओवर में गेंदबाजी खूबसूरत हुई है अजय भंडारी के द्वारा, 4 गेंदे और 1 रन उन्होंने खर्च की है इस मुकाबले में, इस ओवर में। सेकेंड पावर प्ले, मयूर पाटिल गेंदबाजी करेंगे
और कट करना चाहते थे। तेजी के साथ गेंद गुडलिन के ऊपर पड़ने के बाद हल्की सी गेंद ने काटा बदला और सीधे विकेट कीपर की दस्तानों में। और एक डॉट बॉल, एक कमाल की ओवर रही अजय भंडारे की इस ओवर की आखिरी गेंद। सामने बल्लेबाज है मयूर। ओ बेहतरीन गेंद, प्रशंसा करूंगा अजय भंडारे की, केवल उन्होंने इस ओवर में एक ही रन दिया और कमाल की गेंदबाजी। पावर प्ले का सेकेंड ओवर टोंडरे टीम के लिए थोड़ा सा महंगा रहा। दो ओवर का खेल समाप्त होने के बाद पीयूष फोर्ट टोंडरे टीम की टोटल रन संख्या पहुंची है 3 विकेट के नुकसान पर।